checked into this camping site which I had booked, and probably I'm not really really happy with that because they're just having two properties. बाजू में दो प्रॉपर्टीज है यार, एंड नेम ऑफ द कैंपिंग प्रोबेबली दे हैव जस्ट ओवरलोडेड पीपल ओवर हियर एंड इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल डिस्कोटेक इंस्टेड ऑफ अ कैंपिंग. सो ये तो फंस गया, बट हाँ द फूड इज ओके एंड रात को रुकने के लिए जगह मिल रही है, सो दैट्स इट. अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स एन एसेंस ऑफ कैंपिंग आउट हियर. गुड मॉर्निंग गाइज, सो आई एम एट द रेवदंडा बीच राइट नाउ. ओके, जो मेरे पीछे दिख रहा है दैट इज ऑल द रेवदंडा फोर्ट. नॉट मच इज देयर ऑफ द फोर्ट, इट इज़ ओनली अबाउट मतलब जो साइड का जो विंडो वॉल रहता है खाली उतना ही है फोर्ट में देखने के लिए, बाद में वो भी कवर कर लेंगे. बट सुबह मैंने सोचा पहले बीच कवर करें. सो जैसे अंदर बने लाइंस बने हैं अंदर. ओके, तो ये है कुछ भी नहीं बेसिकली, इट्स जस्ट लाइक शायद पानी की वजह से बहुत मस्त लग रहा है यहाँ. थोड़ा सा खेल रही हूँ बीच में, बहुत मजा आ रही है. यू नो चप्पल उतारी है एंड जो सैंड है इतनी सॉफ्ट है, इतना मजा आ रहा है, वो पैर में लग रही है तभी. Like amazing. थोड़ा अंदर जाऊँ आर्किटेक्चरल अगर आप देखते हो तो उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा. थोड़ा एक हाई पॉइंट पे जाने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ से बेसिकली सब समझ में आएगा. ये फोर्ट के वॉल्स हैं सारे और इंटरनली यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको थोड़ा टेंट्स वगैरह जो सारे इन्होंने फोर्ट के अंदर ही लगाए हुए हैं, तो इसके लिए ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है फोर्ट के बारे में. जाने के लिए कोई ऐसा क्लियर रास्ता वगैरह नहीं है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा. ये देखो वेजिटेशन बहुत ज्यादा है. Thank you.
अट्रैक्ट है। तो फ्रेंड्स अभी रेवदंडा से अपन निकल चुके हैं एंड अभी जाएंगे कोरलई फोर्ट। रेवदंडा से आगे नाके पे अगर आप आते हो तो आपको टुक टुक जो ऑटोज़ हैं सिक्स सीटर्स वो आपको मिलते हैं शेयरिंग पे, तो यू कैन टेक दैट। एंड रेवदंडा से कोरलई अराउंड एक 15 मिनट्स है, सो अगर रेवदंडा आ रहे हो तो कोरलई मिस नहीं करना।